और मीडिया को देख के ये दोनों फरार हो गए। जहाँ तस्वीरें आप देख रहे, बेचारा गरीब सा आ रहा था यहाँ से इधर से, तो साइड लगी है। इस मासूम युवक को इन दोनों पति पत्नी के द्वारा हेलमेट के साथ पीटा गया और मीडिया को देख के ये दोनों फरार हो गए। जहाँ तस्वीरें आप देख रहे, बेचारा गरीब सा आ रहा था यहाँ से इधर से, तो साइड लगी हल्की सी, साइड लगने से उसको मारने लग गए। हेलमेट मारा सिर पे, हेलमेट वहाँ पे उसका हिस्सा था, वो वहाँ पे गिरा है। उसके बाद फिर गालियाँ काट दी, फिर माँ बहन गिरी, वो लेडीज ने हाथ उठाया है, उसको रोक के कह रहे तू कौन होता बोलने वाला, ये थोड़ी मतलब गरीब के तुम ऐसे करोगे, गरीब बेचारा है तो मतलब ये थोड़ी तुम ऐसे करके करोगे, तो आराम से तरीके से चलो, ये थोड़ी है कि हम कोई भी आ रहा है, ये बाइक पे थे वो भी बाइक पे थे, लेडीज भी गलत बोली है। मेरे को मारे हेलमेट, हेलमेट से मारे मेरे को, हाँ जी मैम यहाँ पे हम रस्ते हैं, वीडियो बनाई आपने? हाँ जी वीडियो है, उस लड़के के फोन में है। यहाँ पे सर हम इसके साथ गुंडागर्दी कर रहे थे, चलो टक्कर भी उन्हीं से लगे थे, वो इसके साथ ये नहीं पता मैम यही करना आ गए, उनके फोटो और बाइक नंबर है इनके फोन, ठीक है। ये बच्चे का गरीब आदमी का मारने लग रहे हैं, हम तिंगड़े मार रहे, तिंगड़े लगाओ, ठीक है। मारपीट हुई, देखो उसका हाथ क्या हो रही, देखो उसका हाथ पे चोट भी लग रही, सब काम हो रहा है, टक्कर लगी थी ये साइड में था अपनी, उनने टक्कर मारी इसका, उसके साथ लेडीज थी, लेडीज लगी मार पे, उसी ने टक्कर मारी, हाँ जी उन्होंने टक्कर मारी तो इसी को गाड़ी लग गया, हेलमेट के साथ इसके साथ मारपीट करी। एक बार बाइक देखो उसकी कहाँ पे है, तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से सरेआम जो है गुंडागर्दी का ये मामला सामने आया है, किस तरीके से बाइक पर पहले टक्कर भी मारी है, उसके बाद जो है इस मासूम से लड़के को जो है पीटा भी गया है, सरेआम जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप देख सकते हैं कितने हेलमेट मारे, क्यों मारे आपको, आपने साइड मार दी थी, हेलमेट है ना, जल घबरावे ना भाई, घबरावे ना तो टेंशन ना ले, ठीक है। तो जरूर आप देख सकते हैं कि बाइक सवार युवक के साथ जो है सरेआम गुंडागर्दी मारपीट जो है की गई है। आप लोगों से अपील करेंगे इसके इंसाफ के लिए जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, आप देख सकते हैं वीडियो, वीडियो बनाई है आपके फोन में, वीडियो दिखा, वीडियो है मैम, वीडियो है, नंबर क्या था बाइक, बाइक का नंबर इसके फोन में है, नंबर फोटो भी है, फोन में नंबर है। पाजी कहाँ गया पाजी, मैं काम पे जा रहा था अपने, काम करता हूँ मैं, तो अचानक से ही टक्कर लगी है जानबूझ के, उन्होंने मारी जी, हाँ जी, और आप ही को मारने लगे, तो जरूर आप देख सकते हैं इस युवक को हम वीडियो भी दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से जो है सरेआम जो है गुंडागर्दी का ये मामला सामने आया है, किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा हादसा, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मारपीट करने की कोशिश की जाती है, मारपीट की जाती है, सरेआम जो है गुंडागर्दी की जाती है इस युवक के साथ जो कि अपने काम पर सुबह जा रहा था। आप देख भी सकते हैं, हम बाइक का नंबर भी आपको बताएंगे, आपसे अपील करेंगे वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का हादसा किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि युवक मासूम सा नजर आ रहा है आपको, किस तरीके से इसे मारा पीटा गया है, धमकी दी गई है, हेलमेट तक इसके सर पे बजाए गए हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वीडियो में दिखाने का हम जरूर प्रयास आपको करेंगे, नंबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे बाइक का नंबर, क्योंकि आपको ये बता दें कि एक बाइक सवार जिसके साथ एक महिला थी, बदतमीजी की जाती है, इस युवक को पीटा जाता है, किस तरीके से आप वॉइस न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये युवक सुबह पे अपने काम के लिए जा रहा था और किस तरीके से जो है मारपीट की जाती है, बड़ा हादसा जो है करनाल से निकलकर सामने आता है, किस तरीके से रोता हुआ ये युवक जरूर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बड़ा हादसा जो है हो जाता है, सरेआम जो है गुंडागर्दी की जाती है इस युवक के साथ जो कि खुद एक मासूम सा बच्चा नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ नहीं कर पाया, हेलमेट बजाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि हाथों पे बहुत ही ज्यादा चोट आई हुई है, और हम ये जरूर प्रशासन से अपील करेंगे कि इस तरह के हादसों को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पहला पक्ष यहाँ पर मौजूद था उनके द्वारा बदतमीजी की गई, मीडिया को देखकर वो चले गए, उन्होंने अपना बयान नहीं दिया, और दूसरी बात इस युवक के साथ जो है बहुत ही बड़े लेवल की मारपीट की गई है, सरेआम आप देख सकते हैं कि गुंडागर्दी यहाँ पर नजर आ रही थी, इस युवक को इंसाफ मिल सके इसलिए वोट्स न्यूज़ की खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। इस मासूम युवक को इन दोनों पति पत्नी के द्वारा हेलमेट के साथ पीटा गया और मीडिया को देख के ये दोनों फरार हो गए। जहाँ तस्वीरें आप देख रहे, बेचारा गरीब सा आ रहा था यहाँ से इधर से, तो साइड लगी हल्की सी, साइड लगने से उसको मारने लग गए, हेलमेट मारा सिर पे, हेलमेट वहाँ पे
हिस्सा तो वो वहाँ पे गिरा है। उसके बाद फिर गालियाँ काटी है, माँ बहन गिरी, लेडीज ने हाथ उठाया उसको रोक के कह रहे तू कौन होता बोलने वाला, ये थोड़ी मतलब गरीब के तुम ऐसे करोगे, गरीब बेचारा है तो मतलब ये थोड़ी तुम ऐसे करके करोगे, तो आराम से तरीके से चलो, ये थोड़ी है कि हम कोई भी आ रहा है ये बाइक पे थे वो भी बाइक पे थे, लेडीज भी गलत उस लड़के के फोन में है यहाँ पे सर, हम इसके साथ गुंडागर्दी कर रहे थे, चलो टक्कर भी उन्हीं से लगे थे वो इसके साथ, ये नहीं पता मैम यही करना उनके फोटो और बाइक नंबर है इनके, ठीक है ये बच्चे का गरीब आदमी का मारने लग रहे हैं, हम तिंगड़े मार पे तिंगड़े लगाओ, ठीक है मारपीट हुई देखो इसका हाथ क्या हो रही, देखो इसके हाथ पे चोट भी लग रही, सब काम हो रहा है, टक्कर लगी थी ये साइड में था अपनी, उनने टक्कर मारी इसका, उसके साथ लेडीज थी, लेडीज ऐठने लगी मार पे, उसी ने टक्कर मारी वो, हां जी उन्होंने टक्कर मारी तो इसी को गाड़ी लग गया, देखो हेलमेट के साथ इसके साथ मारपीट, एक बार बाइक देखो इसकी कहां पे है।